मुझे लगा मेरे जोक्स घटिया हैं। पहले ये बताओ कि कौन हो तुम, वरना मेरे आदमी तेरी मुंडी काट डालेंगे। तो फिर तुम्हें जादू कौन दिखाएगा? मैं इस पेंसिल को गायब कर सकता हूं। पेंसिल गायब हो गई। ओ बाय द वे, मेरा सूट सस्ता नहीं है, तुम्हारे पैसों से ही तो खरीदा है। बैठो, हम उसका प्लान को सुनना चाहते हैं। चलो कैलेंडर को एक साल पीछे ले चलते हैं। ये पुलिस, ये वकील उस वक्त तुम सबको छू भी नहीं सकती थी, है ना? तो अब क्या हो गया, चूड़ियां पहन ली तुम सबने? देखो क्या है कि मेरे जैसा आदमी फालतू मेरे जैसा आदमी एनीवे मुझे मालूम है कि तुम सब अपनी ये स्पेशल केटी पार्टीज दिन के उजाले में क्यों रखते हो, और आजकल रात को तुम बाहर क्यों नहीं निकलते? वो बैटमैन, देखो तुम्हारी बदकिस्मती से बैटमैन ने गॉथम को तुम्हारा असली चेहरा दिखा दिया है। डेंट वो तो अभी शुरू हुआ है, और जहां तक ये टीवी वाले का वो जो भी प्लान है, बैटमैन की कोई सीमाएं नहीं, वो इसे ढूंढ निकालेगा और सब कुछ उगलवा लेगा। कायरों को मैं शक्ल से पहचान लेता हूं। और तुम्हारा प्रपोजल क्या है? बड़ा सिंपल है, हम बैटमैन को मार डालेंगे। अगर ये इतना आसान है तो अभी तक उसे क्यों नहीं मारा? जिस चीज में तुम माहिर हो उसे मुफ्त में मत करो। कितना चाहिए तुम्हें? आधा। तू पागल है? नहीं हूं, मैं पागल नहीं हूं। अगर हम लोगों ने फौरन कुछ नहीं किया तो बहुत जल्द नन्हे गैम्बल, हाँ, इसके पास एक ढेला भी नहीं बचेगा अपनी मैयत के लिए। बस, अब मैं तुझे फोड़ डालूंगा। क्या इत्तेफाक है कि तुमने फोड़ने की बात की? तुझे लगता है तू हमारा माल चुराएगा और हम चुप बैठेंगे? हाँ। मैं तेरी सुपारी देता हूँ, 50 लाख इसको मुर्दा लाने के लिए, और जिंदा लाने के लिए 1 करोड़, ताकि मैं इस साले को तमीज सिखा सकूं। अच्छा तो सुनो, जब भी चीजों को थोड़ा और सीरियसली लेना चाहो तो मुझे फोन कर देना, ये मेरा कार्ड है।